रही है, कश्मीर को लेकर मुझे बताया जा रहा है कल एक बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, ये बड़ी बैठक कश्मीर पर, कल दिल्ली में बड़ी बैठक, लगातार जो टारगेट किलिंग्स हो रही है उस पर कल दोपहर 3 बजे अमित शाह बैठक करेंगे, गृह मंत्री, सरकार एक्शन में है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवल मौजूद रहेंगे। कश्मीर पर कल दिल्ली में बड़ी बैठक, एलजी मनोज सिन्हा, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, लगातार जो टारगेट किलिंग्स हो रही है कश्मीर में, कश्मीर के हालात को लेकर कश्मीर में कल बड़ी बैठक, ये इस वक्त हमको ब्रेकिंग मिल रही है, कल दोपहर तीन बजे क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही है। और कल दोपहर अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, 3 बजे ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही है उसी को लेकर है, कश्मीर के हालात को लेकर? अमित, देखिए घाटी की सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण तरीके से समीक्षा की जाएगी। 3 प्रमुख एजेंडे हैं अमन इस बैठक के। पहला, जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। दूसरा, घाटी में जो अमरनाथ यात्रा कुछ दिनों बाद शुरू होने वाली है वहां पर यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। और तीसरा, जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है उस जो अपने अंतिम चरण में सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं उसको और ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जाए, तो इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। 15 दिनों के भीतर गृह मंत्री अमित शाह की यह दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें एलजी सहित कई आला अधिकारी शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पांडे। अमित पांडे, 15 दिन में ये दूसरी बड़ी बैठक है और जिस तरह के कश्मीर में हालात है, ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर, आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको लेकर, लेकिन लगातार जो टारगेट किलिंग्स हो रही है उसको लेकर भी, कश्मीर के हालात को लेकर कल दोपहर 3 बजे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेने जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, जो सवाल मैंने रैना जी से पूछा था वही